तेरा अंजुम एक्स मूव आउट प्लीज, आ सकता है कुछ वायस के साथ अंजुम के साथ आओ कभी सर, बाहर के के साथ अंजुम कैसे, मतलब लाइव में, लाइव में ऐड करूं? कोलैप्स कोलैप्स सर, एक अच्छा सा गाना आपका सर, लाइव से कृष्णा के कहां साथ से ही कर लो, किया मैं तो कह रहा हूँ सर, एक कृष्णा के साथ भी खरीदो कोलैप, छोड़ो लड़ाई यार वड़ाई, कोई बात देखो। तो यार आज के दिन की फर्स्ट अपडेट हाशिम नवाज की तरफ से है। तो हाशिम नवाज ने सजदा ट्रैक के बारे में ट्वीट किया है, कौन कौन चाहता है सजदे का कोक स्टूडियो वर्जन आए, जुल्फकार भाई को ट्वीट्स करके उनकी नज़र डलवाओ ज़रा। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर सजदे ट्रैक का कोक स्टूडियो वर्जन देखने को मिल जाए। लेकिन अब बात कर लेते हैं मुक्ता के बारे में। तो मुक्ता की तरफ से एल्बम आने वाली है जो कि जुलाई या फिर अगस्त में देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट अपडेट ईवा बी की तरफ से है। तो ईवा बी का न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखने को मिला है। तो इस आर्टिकल में ईवा बी के अलावा आबिद ब्रोही, एलयूजी और काके थाउजेंड के बारे में बात हुई है। तो नेक्स्ट अपडेट बादशाह की तरफ से है। तो बादशाह का कहना है, आई एम ड्रॉपिंग हिंट्स बट यू आर नॉट कैचिंग दैम, आई एम सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड यू आर नॉट मैचिंग दैम, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट अपडेट JJ47 की तरफ से है। तो JJ47 की तरफ से जल्दी बैक टू बैक काफ़ी सारे ट्रैक्स ड्रॉप होने वाले हैं। JJ47 का कहना है, न्यू ट्रैक्स कमिंग योर वे, और यंगस्टर्नर्स का जो म्यूजिक वीडियो शूट हो रहा है उसके बिहाइंड द सीन से तलहा अंजुम ने ऐसी स्टोरी शेयर की है। तो अब बात कर लेते हैं मुफाट के बारे में। तो मुफाट कल इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे। तो लाइव में मुफाट ने एमी वे, कृष्णा और यंगस्टर्नर्स के बारे में बात की है, और लाइव में मुफाट से एल्बम के बारे में भी पूछा गया। तो इसका रिप्लाई आप लोग यहाँ पे सुन लो। आई कृष्णा का क्या सीन है, मुझे क्या पता ब्रो क्या सीन है सर, डिस्ट्रैक्ट वगैरह कुछ निकाल रहे हो कि नहीं आप कृष्णा भाई पे? यार नहीं यार, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, ये सब ना मेरे को कुछ अलग से चस्का है। जरूरत होती है तो करता हूँ, जरूरत लगती है तो करते हैं, वरना बिना बात के क्यों करना है यार। तेरा अंजुम एक्स मूव आउट प्लीज, यस ब्रो फॉर श्योर, हम दोनों ही बहुत बचते हैं यार तेरा अंजुम पे। इंसान भी क्या चीज है, क्या था, एक पे वफा नहीं दूसरे को वफा की उम्मीद है, बहुत पोएटिक वे में लिखता हूँ तो इसलिए मेरे को बहुत सही लगता है। आ सकता है कुछ वायस के साथ, यस ब्रो हरी झंडी है मेरी तरफ से, तो बिल्कुल हो सकता है, बाकी उसके ऊपर भी है, उसको भी मेरी आर्ट उतना ही पसंद हो तो अच्छी बात है। पहले आप बताओ एमवीवे एक्स मूवफॉर्ड कब देखने को मिलेगा? यार अभी फिलहाल तो नहीं, अभी कोई बिल्कुल नहीं, कोई अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब अपडेट होगी तो इंटरनेशनल कोलैब है कब, कोई इंटरनेशनल कोलैब सर? यार इंटरनेशनल कोलैब मेरे पास मतलब लाइक आई हैव सीन सम आर्टिस्ट जिनके साथ मेरा करने का प्लान है, बट अभी कुछ फाइन मतलब लाइन अप किया नहीं है ऐसे अलग से। अच्छा लगा सर, पहली बात तो आपने मेरे को लाइव दिया। तलंजुम के साथ आओ कभी सर, बाहर के तलंजुम कैसे, मतलब लाइव में ऐड करूं? कोलैप्स कोलैप्स सर, एक अच्छा सा गाना आपका। हां हां ब्रो ब्रो फुल पावर डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा रहेगा तलंजुम के साथ आप लाइव आके। आई रिस्पेक्ट हिज पेन ब्रो, तो वेरी गुड। अच्छा जरूर, एल्बम के प्लान्स है यार? एल्बम कोई नहीं यार, अभी फिलहाल मतलब कैसे बताऊं मैं तो सर, इस साल एक तोहफा देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं एल्बम नहीं करूंगा, एल्बम मैं करूंगा बिल्कुल करूंगा, बट अभी फिलहाल तो 6-8 महीने तक तो कोई सीन नहीं लग रहा मेरे को ऐसा। मैं तो कह रहा हूँ हर महीने एक गाना फेंको यार, मैं आपके गाने के दो गाने आ पाए ना महीने के। यस सर, कोई इस साल कोई अच्छी न्यूज मिलने सुनने को मिलेगी सर, क्या पता आप एल्बम ही डाल दो, कुछ ऐसा प्लान है सर इस साल, कुछ कर सकते हो आप ऐसा? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने सुनने वाले हैं सब अपनी आवाज को रहे मिलने के, हमारा सुनने के लिए हमेशा। इक्का के बारे में बताओ, इक्का के साथ कभी कोलैब होएगा? इक्का के साथ कभी सर? बिल्कुल आ सकता है यार, बिल्कुल आ सकता है सर, मस्त जाएगा वो भी बहुत सर, हम तो बहुत खुश हैं। कृष्णा के साथ ही कर लो, मैं तो कह रहा हूँ सर, एक कृष्णा के साथ भी खरीदो कोलैब, छोड़ो लड़ाई वड़ाई, कोई बात नहीं। तो हर आर्ट की बात है ना, जहाँ तक आर्ट की बात आती है, सुनो जहाँ तक आर्ट की बात आती है, तो जिसकी आर्ट जहाँ जितनी अच्छी है ना, मैं उतनी अच्छी बताता हूँ हमेशा, ठीक है? बट जरूरी भी नहीं है ना कि जिस जिसकी आर्ट अच्छी है मैं सबके साथ काम कर पाऊँ। यस सर, सर आप बहुत अच्छे रैपर हो सर, बंटी बंटाई के साथ जिस दिन आपका कोलैब आ गया सर, बंटी क्या होता है भाई, मैं जब कोलैब करता हूँ ना ब्रो, तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर की तरह काम करता हूँ फिर। और सर एक मेरे हिसाब से होती है, और सर आप हेलेक को बंटाई रिकॉर्ड्स में, वो हेलेक है एक रैपर, आप सबके साथ कर लो सर कोलैब में, एक बंटाई रिकॉर्ड से गाना आएगा कोई आपका सर? अरे नहीं ब्रो, अभी तो मैं ऐलान रिकॉर्ड्स को ही कर ले थोड़ा सा तरीके से फिर
तो अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज के बारे में, जो कि है चीरफाड़ की तरफ से। तो चीरफाड़ ने भी इंस्टाग्राम लाइव में तला अंजुम के बारे में बात की है। तला चीरफाड़ पता नहीं ब्रो, बट जिस तरह उनकी तरफ से हाँ गेम हो, पर थोड़ा जोन अलग है ब्रो उनका, बिल्कुल लोफाई में जो जाता है अपन ट्रैप मेटल का हार्ड कोर। बताओ हार्ड है नहीं हार्ड भी। और सेम नेम ऐसे ही करता है भाई वो। सो भाइयों, कल जो सीन हुआ था लाइव पे उसका ऐसी बात है भाई, देखो कि मैंने इंटेंशनली किसी को ऐसा मतलब हर्ट करने का कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा, हम तो बैठ के बिल्कुल मज़े मार रहे थे अपने बंदों के साथ, बट थोड़ा सा ऐसी मजाक के भी उसमें मूड में थे तो हमने बोल दिया, बट कुछ लोगों को हर्ट हुआ, क्या पता क्या हुआ भाई, मुझे तो समझ नहीं आया किस बात के लिए हर्ट हुआ उन्हें, ऐसी कोई बात थी नहीं, वो बस थोड़ी सी मजाक थी, वो छोटा सा मजाक था। सो बाकी जो लोग गाली वाल दे रहे हैं ब्रो, उनके लिए कि यार गिव अ फक, देते रहो, बट ये था कि भाई वो सिर्फ मजाक था, हिप हॉप में इतना चलता ही है। अपकमिंग ट्रैक्स की अगर बात की जाए तो एमिवे की एल्बम का नेक्स्ट ट्रैक इसी संडे को आउट होने वाला है। एमिवे ने ट्वीट किया है, गेस द ट्रैक रिलीजिंग फ्रॉम माई एल्बम दिस संडे, बताओ कौन सा गाना आएगा एल्बम से इस संडे को। और फतेह डीओई के दो ट्रैक्स आने वाले हैं, फर्स्ट ट्रैक है नेम है कलीजिन और सेकेंड है देसी साइफर, तो इन दोनों गानों के म्यूजिक वीडियोस जल्दी आउट हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं रिलीज्ड ट्रैक के बारे में, तो आसिफ बाली का एक ट्रैक आउट हुआ है हिट डैम आप 2.0, तो इस गाने में आसिफ बाली ने उमर अंजुम को डिस किया है। उमर अंजुम ने हेडशॉट 3.0 में जो भी चीज़ें कही थी उन सब चीज़ों को आसिफ बाली ने इस गाने में क्लियर किया है। तो इसको शेयर करते हुए पोटैटो पिक गैंग के रापू का कहना था, आसिफ बाली भाया अब बच्चे की जान लेगा क्या। और आदि ने भी सैविज और उमर अंजुम के लिए डिस ट्रैक आउट किया है टाइम अप। और करण ओजला की एल्बम का इंट्रो ट्रैक आउट हो चुका है, तो इसके बारे में सनी मोल्टन का कहना है, एवरीवन डूइंग एल्बम इंट्रो सिमिलर टू हाउ आई डिड द PBX1 टीजर, हाउ मैनी हैव आई स्टार्टेड। और इसके अलावा रैप थोर और 2S का भी ट्रैक आउट हो चुका है कलर साइफर। तो नेक्स्ट ट्रैक है गोपी लोंगिया का शायर, इसका म्यूजिक वीडियो अभी कुछ ही टाइम पहले आउट हुआ है, तो आप लोगों को इन सभी ट्रैक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर लेना। इंटरनेशनल सीन की अगर बात की जाए तो वैन डीजल की जो मूवी आ रही है फास्ट एंड फ्यूरियस, उसमें कार्डी बी भी देखने के लिए मिलेंगी। कार्डी बी ने रिसेंटली कुछ ऐसा ट्वीट किया है, और गुची मैन की आइस डैडी एल्बम की ट्रैक लिस्ट आउट हो चुकी है, तो इस एल्बम में टोटल 17 ट्रैक्स हैं और फीचरिंग में है लिल बेबी, लिल उजी एंड E40, तो इसके अलावा और भी काफ़ी सारे आर्टिस्टों की फीचरिंग है। और पॉप स्मोक की जो एल्बम आ रही है वो ऑलमोस्ट 95% रेडी हो चुकी है। और आपको पता होगा कि लॉजिक ने रिसेंटली म्यूजिक को क्यूट कर दिया था, लेकिन अभी उन्होंने कमबैक कर दिया है। लॉजिक की तरफ से कल ऐसा पोस्ट देखने को मिला था, और आज यार कैंड्रिक लैमार का बर्थडे भी है, सो हैप्पी बर्थडे के डॉट। और कल टूपाक का बर्थडे था, सो रेस्ट इन पीस टूपाक। तो फिलहाल यार इतनी न्यूज़ हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।